बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आमनास वर्ल्ड। अस्सलामुअलैकुम। आपकी होस्ट एंड दोस्त आमना मेहताब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं बाय प्रोफेशन फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो आज हम मेरी फील्ड से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको नाम से पता लग गया होगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रोजन शोल्डर। आपको जैसे पता ही है कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मोबाइल ज्वाइंट शोल्डर ज्वाइंट है। हमारी डेली एक्टिविटी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ज्वाइंट शोल्डर ज्वाइंट है। हम खाते हैं तो उसकी हेल्प से, वॉशरूम जाना, कपड़े चेंज करना, हर एक्टिविटी में हमारा शोल्डर यूज होता है। जब शोल्डर में पेन या डिस्कम्फर्ट हो तो पेशेंट अपने आप को बहुत ही ज्यादा बेबस और डिसेबल फील करने लगते हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे शोल्डर में पेन किस वजह से हो रही है। शोल्डर की पेन की बहुत ज्यादा वैरायटीज और बहुत तरह की पेन होती हैं। तो आज हम कॉजेज डिस्कस करेंगे फ्रोजन शोल्डर की, क्या क्या कॉजेज होती है और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इसका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। फ्रोजन शोल्डर को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहा जाता है। हमारे शोल्डर ज्वाइंट के अराउंड कैप्सूल होता है, जब उसमें थिकनिंग होती है तो शोल्डर मूवमेंट बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। जब भी हमारी बॉडी में कोई ट्रॉमा या पेन, जब भी कोई ट्रॉमा हो या कोई भी चोट लगे, तो उसके रिजल्ट में ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में उसका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट है इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग होती है, फिर फाइब्रोसिस, थिकनिंग ऑफ द कैप्सूल, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रोजन शोल्डर की कॉजेज क्या क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी स्टेजेस एंड ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। फ्रोजन शोल्डर की दो तरह की कॉजेज होती है, शोल्डर रिलेटेड कॉजेज और नॉन शोल्डर रिलेटेड कॉजेज। चले आए दोनों डिस्कस करते हैं। शोल्डर रिलेटेड कॉज में आता है ट्रोमा, कोई भी इंजरी जो शोल्डर पे हो उसकी वजह से कैप्सूल थिकनिंग हो जाती है, एज अ रिजल्ट फ्रोजन शोल्डर। टेंडनाइटिस, टेंडन ने हमारे शोल्डर को कवर किया होता है, उसकी इंजरी, उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड, रोटेटर कफ इंजरी, रोटेटर कफ मसल्स ने हमारे पूरे शोल्डर को कवर किया हुआ, इसमें कोई भी इंजरी वो भी पेशेंट जैसे प्रोन टू फ्रोजन शोल्डर होते हैं। ओवर यूज ऑफ फॉल्टी मूवमेंट, जिम जाने वाले यंगस्टर जो होते हैं उन्हें अच्छी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती कि उन्हें कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कितनी रेपिटेशन करनी है, उनकी ओवर यूज की वजह से, शोल्डर मूवमेंट्स की वजह से भी उनको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस होने के चांसेस होते हैं। पुअर स्लीपिंग पोस्चर, अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं है तो भी हमारे फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं नॉन शोल्डर रिलेटेड कॉजेज की तरफ। दो डिजीजेज ऐसी हैं जिनका बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उनके पेशेंट्स को कि वो फ्रोजन शोल्डर हो सकता है बगैर किसी वजह से। एक थायराइड के पेशेंट, दूसरे डायबिटीज के पेशेंट। इन दोनों पेशेंट्स को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। थर्ड आता है रेफर पेन, पेन कहीं और है, प्राइमरी कॉज पेन कहीं और है बट पेन जा वहां रहा है, जैसे कि एक्सट्रीमली हार्ट डिजीज है पर उसकी पेन जा रही है हमें शोल्डर में, तो वो पेशेंट्स भी फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस उन्हें बढ़ जाते हैं। थर्ड होता है प्रॉन्ग स्लिंग यूज, जैसा जब क्लेविकल का फ्रैक्चर हो, हंसले की हड्डी का, तो हम स्लिंग यूज करते हैं। ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए स्लिंग यूज करने की वजह से भी हमारा शोल्डर जाम हो जाता है, मूवमेंट बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। इसलिए हमें प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए कि कितने दिन के बाद हमें स्लिंग रिमूव करना है और कौन सी मूवमेंट्स करनी है। फिफ्थ वन, मसल वीकनेस, मसल वीकनेस की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपको फ्रोजन शोल्डर है कि वैसे ही आपको शोल्डर पेन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेजेस डिस्कस करेंगे, साथ में उनके ट्रीटमेंट बताऊंगी मैं आपको। मेरे साथ रहिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।